दोस्त बड़े मजे से घूमने निकले। जंगल के पास से निकलते सुनसान हाईवे पर गाड़ी हवा से बातें करती हुई जा रही थी, जब कार चला रही कमल ने गाड़ी सड़क किनारे लगाकर रोकी तो बाकी तीनों ने भी सामने ध्यान दिया और पाया कि एक दो रहा था सामने। अब दाएं जाएं या बाएं, इसी उलझन में फंसे थे सब के सब कि कमल के साथ सामने बैठे मनप्रीत ने कहा, भाई मैप और प्लान दोनों के हिसाब से चलें तो राइट लेना चाहिए, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि लेफ्ट लेते हैं, थोड़ी कोई अनजानी किस्म की जगह घूमेंगे, थोड़ा एडवेंचर होगा, और क्या, चल लेफ्ट मार चलते हैं यार। कमल तो था ही मनप्रीत की तरफ पूरा पागल, तुरंत मान भी गया, लेकिन पीछे बैठे अर्जुन और वीर अपने नामों के उलट बेहद डरपोक थे। अर्जुन ने तुरंत कहा, अबे नहीं यार, पागल है क्या, न जगह का पता है न रास्ते का पता, कहीं जंगल जानवर चोर डाकू हुए तो। इस पे कमल और मनप्रीत हंसते हुए बोल पड़े, अबे तू कौन सा बड़ा रजवाड़ा है हा? जो तेरा खजाना लूट लेगा कोई, चुपचाप बैठा रहे वरना यही उतार देंगे। ये सुन के अर्जुन और वीर थोड़ा घबरा गए और चुपचाप बैठने में ही उन्होंने भलाई समझी। दोनों चुपचाप बैठे ही रहे। कमल ने गाड़ी गियर में डाली और बाईं ओर वाली सड़क पर गाड़ी 80 की स्पीड पर दौड़ा दी। गाड़ी के शीशे बंद थे तो ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी आखिर कितनी तेज चल रही थी, लेकिन बहुत जल्द ही समझ आ गया जब कमल ने एकदम अचानक से बहुत तेज गाड़ी की ब्रेक लगाई। गाड़ी रुकी और मनप्रीत अर्जुन और वीर की नजर ड्राइविंग सीट पर बैठे सूखे पत्ते की तरह कांपते हुए कमल पर गई। कमल सचमुच डर से कांप रहा था, घबराहट से सांस नहीं आ रही थी। मनप्रीत ने जोर से कमल को झकझोर कर कहा, कमल, ओए कमल क्या हुआ, अबे हुआ क्या तुझे। कमल धीरे धीरे मनप्रीत की ओर मुड़ा और फिर वापस सड़क की ओर मुड़कर उंगली से सामने की ओर इशारा करके कुछ दिखाने की कोशिश करता हुआ बोला, वो सामने दिख नहीं रहा तुम लोगों को। हाँ, तीनों ने कमल की उंगली का इशारा देखा और उसके बाद फिर कमल को देखते हुए कहा, अबे तू पागल हो गया क्या, क्या बकवास कर रहा है। कमल अब थोड़ा गुस्से से बोला, अरे वो सामने दिख नहीं रही तुम लोगों को, वो इंसान नहीं है, पक्का कोई आत्मा है, मैं गाड़ी पैक करता हूं, निकलते यार इधर से। इतनी सी बात सुनते ही मनप्रीत को थोड़ी झुंझलाहट हुई और उसने कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा, हमें सिर्फ यहां से निकल के जाना है, किसी इंसान या आत्मा को परेशान थोड़ी कर रहे हैं हम, वो जहां भी खड़ा है या खड़ी है सिर्फ तुझे दिखाई दे रही है, तू उसके पास से चुपचाप गाड़ी निकाल ले, बस और क्या, चल गाड़ी निकाल यार, चल गाड़ी निकाल। मनप्रीत की बात सुनकर कमल को भी थोड़ी हिम्मत आ गई, उसने गाड़ी स्टार्ट की और उस आत्मा पर नजर गड़ाए हुए उसके पास से गाड़ी निकाली तो गाड़ी जैसे जैसे उस आत्मा को पार करती गई वैसे वैसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने हाथों और नाखूनों से ऐसी खरोच मारी हो कि गाड़ी ही रुक जाए। लेकिन कमल ड्राइविंग में बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं हुई और गाड़ी सीधा निकाल के काफी आगे आ गए थे चारों, जब अचानक से गाड़ी का टायर बीच जंगल में पंचर हो गया। स्टेपनी बदल के टायर चेंज करना सिर्फ कमल को ही आता था। कमल ने ट्रंक खोला और सामान देखकर पहले जैक निकाला और गाड़ी के नीचे रखा तो उसे याद आया कि जैक खोलेगा कैसे, लिवर तो ट्रंक में ही पड़ा था। कमल जैक का लिवर ट्रंक से निकालने पीछे गया
और लिवर निकाल पाता उससे पहले ही। जैक के बिना और बिना हाथ लगाए ही गाड़ी अपने आप हवा में उड़ गई। कमल ये देखते ही घबराया नहीं, थोड़ा सा पीछे हटा और तभी गाड़ी जोर की आवाज के साथ वापस नीचे गिरी। बाकी तीनों भी काफी घबराए हुए थे और ये देखकर तो जैसे पता नहीं क्या हो गया था। तीनों के तीनों पिकनिक पे आए छोटे बच्चों की तरह हाथ पकड़े कमल के पीछे खड़े थे, जैसे कि वो उनका टीचर हो। कमल खुद भी घबराया हुआ था, लेकिन इन तीनों से थोड़ा कम। उसने पलट के कहा, अरे फटुओ, यहां से निकलना है तो मेरा जरा हाथ बटाओ, जैक की रॉड निकाल के दो। तीनों के तीनों रात के अंधेरे में बाथरूम जाने से डरते हुए छोटे बच्चों की तरह हाथ पकड़े हुए इधर उधर देखते पीछे गए और ट्रंक खोलकर जैक का लिवर ढूंढ ही रहे थे, जब अचानक तीनों ने दूसरी ओर मुंह किया तो जो देखा उसने तीनों की रगों में बहते लहू को बर्फ से सर्द टुकड़ों में बदल डाला, क्योंकि उनकी आंखों के सामने कमल अपने आप खिसकता हुआ जंगल में चला जा रहा था, जैसे कि कोई उसकी टांग पकड़ के उसे घसीट रहा था और वो बस चीखे जा रहा था। मनप्रीत, अर्जुन और वीर डरपोक कितने भी रहे हो, लेकिन थे तो दोस्त ही, वैसे ही घबराए हुए, अब तो और भी दुगने डरे हुए। सबने कुछ न कुछ लोहे का भारी सा गाड़ी से सामान उठाया और जिस तरफ कमल को घसीटा गया था उसी ओर चल पड़े। और कुछ ही दूर चले होंगे जब एक बड़े से पुराने और घने से पेड़ के ठीक नीचे अजीब तरीके से कमल बैठा हुआ था। उसे देखते ही तीनों समझ गए कि ये कमल नहीं है, कोई धोखा है, कोई छलावा है। उसने वहीं से तीनों को पुकारना शुरू किया, लेकिन एक अलग आवाज में, अर्जुन, वीर, मनप्रीत, इधर आना, सुनना मेरी बात। तीनों जाते भी क्यों ना, वो दोस्त था उनका। तीनों उसके पास पहुंचे तो कमल ने एक झटके से जैक का लिवर खींचा और कहा, सुना, मेरे ना सर में बड़ा दर्द हो रहा है, ये रॉड देना, थोड़ा हल्के से मारना, मारना सर पे। कमल ने इतना कह के लिवर छीनने की कोशिश शुरू की और आखिरकार वीर के हाथ से लिवर छूट गया और वीर सूखी पत्तियों के ढेर पर जाकर गिर पड़ा और कमल ने वो लिवर अपने माथे पर जोर जोर से मारना शुरू किया और उसके एक दो बार अपने सर पे लोहे का वो रॉड मारते ही एक मिनट के अंदर कमल बुरी तरह से लहूलुहान हो गया था। उसका ये हाल देखकर अर्जुन, वीर और मनप्रीत के पसीने छूट गए थे। तीनों ने वहां से दौड़ लगाई वापस रास्ते की ओर जहां उनकी गाड़ी खड़ी थी, पर वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कमल उनके सामने गुस्से में खड़ा था और उन्हें देखते ही कहने लगा, अबे तुम लोगों को गाड़ी के पीछे से जैक का रॉड देने को कहा था मनहूसो, मैंने इस तरह से तुम लोगों को पीछे क्या भेजा, तुम लोग तो उससे भाग गए कि काम ना करना पड़े कोई, कब से खड़ा हूं गधों की तरह, कहां मर गए थे मनहूस सबके सब। मनप्रीत ने कहा, तू 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 यहां है पर तू तो तू अब अभी अभी जंगल में था, हमारी आंखों के सामने तुझे खसीट कर यहां से अंदर ले गया था कोई। कमल ने अपनी आंखों से उस शैतान को देखा था। उसने तुरंत अर्जुन के हाथ से जैक का रॉड छीना
और जैक से गाड़ी उठाकर तुरंत टायर चेंज करने में लग गया। स्टेपनी निकालकर जल्दी जल्दी उसने चक्का लगाया और सबको गाड़ी में बैठने का इशारा किया। सब कोई बैठे और कमल गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो कमल ने सबसे कहा, तुम में से कोई बाहर नहीं आएगा, मैं बाहर जाकर देखता हूं। कमल ने बाहर निकलकर बॉनेट खोला और देखने लगा कुछ और गड़बड़ तो नहीं है। ध्यान से देखा तो एक दो तार दिखाई दिए जो खुल गए थे। कमल ने वो तार जोड़े और कहा, मनप्रीत जरा इग्निशन ऑन कर दो। गाड़ी स्टार्ट हुई तो बॉनेट बंद करके हाथ झाड़ते हुए कमल ने कहना शुरू तो किया, अब भागो यहां से वरना कोई भरोसा नहीं, कहां क्या। लेकिन अपनी बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि गाड़ी के अंदर न मनप्रीत, न अर्जुन और न वीर थे, बल्कि गाड़ी में वो ही ड्राइविंग सीट पर बैठा था जिसे कमल ने थोड़ी देर पहले देखा था। वो मुस्कुराया और गाड़ी का एक्सीलरेटर जरा सा मारा, गाड़ी हल्की सी बढ़कर रुकी। कमल चार कदम एक ही झटके से पीछे हट गया, गाड़ी और थोड़ी आगे बढ़ी और कमल थोड़ा और पीछे हटा और उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ने लगी और कमल भागता रहा और भागते भागते बार बार पीछे देखे जा रहा था। बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, ना ही तीनों दोस्त ही कहीं दिखाई दे रहे थे। कमल भागता जा तो रहा था लेकिन ज्यादा देर तक भाग नहीं सकता था क्योंकि एक गाड़ी से इंसान कैसे भाग सकता है, और वो भी तब जब चलाने वाला कोई इंसान ना हो। कमल की सांसें उखड़ रही थी, उसे धीरे धीरे थकान महसूस हो रही थी और ज्यादा भाग पाना अब उसे मुश्किल लग रहा था। यूं ही भागते भागते एन मौके पर कमल को दो पेड़ दिखाई दिए और गाड़ी बस कमल को कुचलने ही वाली थी जब कमल उन दोनों पेड़ों के बीच से होता हुआ निकला और गाड़ी आकर एक जोरदार आवाज के साथ दोनों पेड़ों के बीच में धंस गई। उस एक धक्के से कमल भी थोड़ा दूर जाकर गिरा। कमल थोड़ी देर में सर पकड़े हुए उठा तो चोटी तो लगी हुई थी उसे, और पलट कर देखा तो गाड़ी टूट फूट कर तहस नहस हो चुकी थी। धुआं निकल रहा था गाड़ी के हर एक हिस्से से और कमल लंगड़ाता हुआ गाड़ी के पास डरता हुआ पहुंचा तो उसके दिल से एक ही दुआ निकल रही थी कि ये सब कुछ एक ख्वाब हो, कुछ भी सच ना हो, बस अभी अभी कोई उसे नींद से जगा दे क्योंकि कमल की आंखों के सामने एक्सीडेंट हो चुकी उसकी गाड़ी के अंदर मनप्रीत, अर्जुन और वीर तीनों की लाशें पड़ी थी और गाड़ी के पास में ही वही शैतान खड़ा मुस्कुरा रहा था जो कुछ देर पहले गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर था। कमल ने किसी तरह खुद को संभाला और तुरंत जेब से मोबाइल फोन निकालकर पुलिस को 100 नंबर पर फोन लगाया। फोन उठते ही कमल ने कहा, हेलो सर, मेरा नाम कमल है, मैं चंद्रप्रभा सेंचुरी में हूं। हमने कच्चे पुल से राइट की जगह सर लेफ्ट लिया था, यहां कोई है जो हम सबको मारना चाहता है। मैं रास्ता भटक गया हूं सर, और मेरे सारे दोस्त मारे जा चुके हैं एक्सीडेंट में। मेरी मदद कीजिए सर, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए सर। इतना सब कुछ झेलने के बाद अपनी बात कहते कहते कमल आखिरकार रो पड़ा। उसे लगा कि अब पुलिस उसे वहां से बचा लेगी, पर पुलिस का जवाब चौंकाने वाला था क्योंकि दूसरी तरफ से आवाज आई,
आपको किसने कहा था गलत मोड़ लेने के लिए? जिसने कहा था उसकी मौत तो पक्की है। आपको भी हम सवेरे से पहले नहीं बचा सकते, वहां तो रात के वक्त हम लोग भी नहीं जाते, सवेरे ही आएंगे। अगर जिंदगी रही आपकी तो ठीक है, वरना हम भी कुछ नहीं कर सकते। इतना सुनकर कमल की तो हालत ही खराब हो गई। उसने इधर उधर देखा, वो शैतान उसे कहीं नहीं दिख रहा था। कमल ने पूरी जान लगा दी और वापस उसी दोराहे की ओर भागना शुरू कर दिया। लंगड़ाता हुआ किसी तरह काफी आगे तक पहुंच चुका था वो, जब आखिरकार एक गाड़ी दूर से आती हुई दिखाई दी और हाथ हवा में उठा करके कमल ने उन्हें रोकने का इशारा किया। कमल को ऐसी जख्मी हालत में देखकर उन्होंने गाड़ी रोक भी दी। गाड़ी रुकी तो कमल बुरी तरह से हांफता हुआ उनके पास पहुंचा और खिड़की पर खड़े होकर बोला, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे मेरे दोस्तों को उसने मार दिया है और मेरी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया है, मुझे पुलिस स्टेशन तक छोड़ दीजिए प्लीज। कमल की बात सुनकर उन लोगों ने भी सोचा कि मदद कर ही दी जाए। उन्होंने कमल को गाड़ी में बैठाया और गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन कुछ ही दूर गाड़ी आगे बढ़ी थी जब ब्रेक लगानी पड़ी। गाड़ी रुकी और कमल ने गाड़ी चलाते हुए उस लड़के का घबराया पीला पड़ चुका चेहरा देखा और फिर उसकी नजरें देखी। कमल को समझने में देर नहीं लगी कि हो क्या रहा था। उसने तुरंत कहा, तुम ड्राइविंग सीट पर हो इसलिए वो तुम्हें दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दिया था, अभी भी वक्त है, मेरी मानो मौका है, गाड़ी मोड़ो और निकलो यहां से, वरना तुम सब भी मारे जाओगे मेरे दोस्तों की तरह। वो लड़का तुरंत कमल की बात समझ गया। उसने गाड़ी मोड़ी और हवा से बातें करता 2 मिनट में वापस दोराहे पर पहुंच गया। कमल शुक्रिया कहके गाड़ी से उतरा और सवेरे तक पुलिस के आने का इंतजार करता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ ही पुलिस भी वहां आई। कमल की बात सुनकर पुलिस वाले आगे गए और सचमुच उन्हें वहां एक गाड़ी मिली। साथ ही मनप्रीत, अर्जुन और वीर जो मरे हुए नहीं थे, वो पुलिस को जख्मी हालत में मिले थे और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तब रास्ते में मनप्रीत, जो थोड़े होश में था, उसने बताया कि वो तीनों लगभग मर ही जाते, लेकिन वक्त रहते उस शैतान से माफी मांग ली थी इसलिए शायद बच गए। पुलिस से कमल ने माजरा पूछा तो पता चला कि ये यहां कई सालों से है, बस कौन है, क्या चाहता है, ये कोई नहीं जानता। अगर किसी ने जबरदस्ती उसकी गली में कदम रखा तो वो उसे छोड़ता भी नहीं है और सिर्फ ड्राइवर को ही दिखाई देता है। और फिर जिन लोगों को इन सब चीजों पर विश्वास नहीं, उन्हें मार कर ही दम लेता है। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि आप चारों बच गए। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगली बार से रात के वक्त दोराहे से गाड़ी लेते वक्त पूरी जानकारी हासिल कर लीजिएगा उस रास्ते की।